हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल द बिटकॉइन बोर्नो तो ये वीडियो होने वाली है कार्डानो एडीए के ऊपर क्विक अपडेट जो भी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर कार्डेनो रिलेटेड निकल के आ रही हैं उन सबको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ क्या है सपोर्ट एरिया क्या है रेजिस्टेंस एरिया कौन सा अच्छे बाय जोन बनते हैं एफ एक्स ट्रीट का एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो आपको जरूर पढ़ना चाहिए वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा और जो मेजर यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है इवेंट्स निकल के आ रहा है उसके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे कार्डानो के बारे में तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनफॉर्मेटिव है वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें कॉन्टेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें आप लाइक करते हमें मोटिवेशन मिलती है और ज़्यादा अच्छा कॉन्टेंट बनाने के लिए एंड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलें वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये भाई का वादा है फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते कार्डानो की करेंट वैल्यू चेकआउट करते कार्ड एनो करंड्रेड एंड एट रुपीज पॉइंट जीरो सिक्स पैसा पर ट्रेड कर रहा है इंडियन रुपीज में और यहाँ पे हमें देखने का मिल रहा है यूएस डॉलर्स में टू डॉलर पॉइंट एटी फोर सेंट पर कार्डानो ट्रेड कर रहा है फिलहाल जो इसका प्रॉपर्टी है चार्ट है टेलीग्राम ग्रुप में आपके साथ पहले ही शेयर कर चुके हैं तो जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स लो एक बार ग्राफ चेक आउट कर लेते हैं यहाँ हमें जो मेजर रेजिस्टेंस देखने, तो पो देखने को मिला है वो 2.87 के अराउंड देखने को मिल रहा है जो कि इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ तो, तो अराउंड टू से लेकर टू हंड्रेड का एक एरिया बनता है 2.87 का जो रेजिस्टेंस एरिया है ठीक है फिलहाल जो हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहे है टू डॉलर से लेके 2.84 डॉलर्स के, के बीच में बरकरार है जो कि टू हंड्रेड से लेके टू हंड्रेड का एरिया बनता है और एक अच्छी बाइंग जोन भी था आपके साथ मैंने कल जो चार्ट शेयर किया था उसमें भी बताया था और यहाँ से हमें एक अच्छी जंप देखने को मिली है कार्डैनो में फिलहाल उसके जो नीचे का एक और सपोर्ट एरिया वो भी आपको बता देना जरूरी बन जाता है समवन अराउंड टू डॉलर से लेकर टू पॉइंट सेवन एट डॉलर के बीच में आप ले लीजिए टू हंड्रेड रुपीज़ पॉइंट सेवेंटी फोर पैसा से लेकर टू हंड्रेड थ्री रुपीज़ नाइनटी थ्री पैसा के अराउंड ये एरिया बनता है फिलहाल एक्सपेक्टेशन ये है कि आपको ये ऊपर का रेजिस्टेंस एरिया उसको टेस्ट करते हुए कार्ड काटाना नजर आए अगर यहाँ पे हमें रिजेक्शन देखने को मिलती है तो आपको 2.83 से लेके 2.84 पॉइंट का जो सपोर्ट है उसके पास जाते हुए नज़र आए और वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है बिटकॉइन पे थोड़ा नजर बनाए रखना बिटकॉइन में हमें एक हेल्दी करेक्शन अभी देखने को मिली है और थोड़ी और करेक्शन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो बिटकॉइन के ऊपर नजर बनाए रखना तो ये एरियाज़ वर्कआउट करेंगे उसके ऊपर नजर ज़ बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फिलहाल अगर ये ब्रेकआउट हो जाता है रजिस्टेंस एरिया तो 2.90 और उसके बाद टू पॉइंट एक मेजर रेजिस्टेंस एरियाज बने हुए हैं ठीक है थीके? उसके ऊपर आपको कार्डानो ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा डिपेंडिंग ऑन बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है मार्केट क्या सेंटीमेंट्स बने रहते हैं फिलहाल जो मेजर आपको चीज़ पर ध्यान देना है टू से रिजेक्शन देखने को मिलती है तो टू से लेकर टू का जो एरिया है वो एक अच्छिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता है तो ये तो बात होगी भाई एक शॉर्ट टर्म मूवमेंट के बारे में जो हमारा टी है वो काफ़ी मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता नज़र आता है हमने आपके साथ आज ही के दिन में काफ़ी टी शेयर किए हैं कल डैश का शेयर किया था बी का शेयर किया था और वो वर्क अच्छे खासे किए थे काफ़ी महीनों पुरानी है, हमारी मार्किंग से अच्छी खासी मेहनत लगी इन ग्राफ को प्रिपेयर करने में तो अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और जो हमारा ये टीए है उसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे बिल्कुल भी मत मिलिए उसको रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कीजिए अपने टीए के साथ मैच कीजिए और इट इसको एज एन इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के तौर पर लीजिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा टी ए वर्क करता है पर यह बताना मेरा फर्ज बनता है वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स फिलहाल ये तो बात होगी शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट के बारे में एक लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट की बात चर्चा कर लेते हैं काफी लोग पूछते रहते हैं अब मैं जब हर वीडियो में देता हूँ और देना मेरा फर्ज बनता है मिनिमम कार्ड एनो बाई द एंड ऑफ दिस ईयर 3.5 डॉलर से लेके 4 डॉलर्स की मार्किंग तक आपको जाता हुआ नजर आ सकता है डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर में बिटकॉइन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है बिटकॉइन कैसा परफॉर्म करता है क्रिप्टो मार्केट कैसा परफॉर्म करता है इन सारी चीजों के ऊपर ठीक है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ शेयर करना चाहना चाहूंगा एफ एक्स स्ट्रीट का ये आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट चीज है थोड़ा नीचे चलते हैं रोड टू वर्ड द न्यू ऑल टाइम है थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे बना हुआ है यहाँ पे टू पॉइंट नाइन जीरो डॉलर के अराउंड एक रेजिस्टेंस एरिया बना बना हुआ है एफ एक्स स्ट्रीट का ये आर्टिकल है उनके मुताबिक और हमने भी आपको बताया था एक्जैक्ट ऑलमोस्ट हमारा जो टी है वो मैच कर रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखनी है द न्यू स्टेगल फॉर द बुल्स एज सिक्स एड्रेसेस परचेजेस 2.87 बिलियन एडीए एट एन एवरेज प्राइस फॉर 2.89 तो यहाँ पे आपको मैंने शेयर किया था कि यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई तक अगर जाना है तो कहीं ना कहीं जब ये 2.89 के अराउंड इतने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हुई इतने बड़े बड़े एड्रेसेस ने बिलियंस ऑफ एडीए डी बाय किए हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर रहेगा और अगर वो सेलिंग प्रेशर में देखने को मिलता है सेल देखने पैनिक सेल देखने को मिलता है तो आपको नीचे के एरियाज टेस्ट करता हुआ काटाना नजर आ जाएगा नहीं तो जो नेक्स्ट इंडिकेटेड टारगेट है इसका थ्री पॉइंट इलेवन डॉलर का जिसका ऑल टाइम हाई है वो ब्रेकआउट होता है वहाँ पे सपोर्ट कन्फर्म होती है तो नेक्स्ट टारगेट थ्री पॉइंट फोर थ्री डॉलर पॉइंट फोर्टी थ्री सेंट आपको करते हुए नजर आ जाएगा जो बेसिक ये ओवरऑल आप एफ स्ट्रीट का ये आर्टिकल है तो मैंने कहा ये आपके साथ एक और अच्छी वेबसाइट का रेफरेंस देना जरूरी बन जाता है तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ठीक है फिलहाल ये प्राइस मूवमेंट के ऊपर चर्चा होगी एंड एफ एक्स के आर्टिकल के ऊपर चर्चा होगी अभी जो मेजर इवेंट निकल के आ रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है यहाँ पे निकल के आ रहा है लांजो हार्ड फोक ट्वेल्थ सेप्टेबर को उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन होंगे और उसके बाद जो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशनस हैं वो आपको कार्डानो नेटवर्क पर आते हुए नजर आएंगी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें फ्यूचर में देखने को मिलने वाली है कार्डानो से और उसके बाद कार्डानो सबमिट भी है काफ़ी चीज़ें सेप्टेंबर में लाइंड हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें सेप्टेम्बर का महीने एक अच्छा महीना होते हुए नजर आ सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट शेयर कर ली टी एज शेयर कर लिया आपके साथ आपके साथ एक लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट शेयर कर ली एफ एक्स स्ट्रीट का आर्टिकल शेयर कर लिया होप सो कॉन्टेंट अच्छा हो बस मेरी जो वीडियो थी यहीं तक थी अपडेट अच्छी लगी आपको अपडेट अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए सब्सक्राइब बटन आपके पास है सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स आते रहे फिलहाल मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें खुश रहें थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉिंग दिस वीडियो